बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तारीख ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है कि जिनके बारे में जानकर इंसानी अकल दंग रह जाती है और बात सुनकर यकीन ही नहीं आता। दोस्तों, ऐसा ही एक वाकया अब सामने आया है। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के लोरालई में एक हिंदू की दुकान तकसीम के वक्त से बंद है। 1947 में तकसीम के वक्त हिंदू ने दुकान के मालिक से कहा था कि वो वापस आकर दुकान खोलेगा। तब से आज तक ये दुकान उस हिंदू का इंतज़ार कर रही है। दोस्तों, ट्विटर पर एक सारिफ ने इस अहद वफा की दिलचस्प दास्तान बयान की है। सारिफ ने बताया कि ये दुकान लोरालई के इलाके मेख्तर में मौजूद है और इस दुकान को एक हिंदू ने मुसलमान पश्तून शहरी से किराए पर लिया था। 1947 में तकसीमें हिंद हुई तो हिंदू अपने गाँव वालों से मिलकर बहुत रोया। उसने दुकान के मालिक से कहा कि वो ज़रूर वापस आएगा और ख़ुद ही अपनी दुकान खोलेगा। दुकान के मालिक ने 1947 में अपने हिंदू किराएदार से वादा किया, जो आज तक निभाया जा रहा है। तकरीबन 73 साल गुजरने के बावजूद इस दुकान पर आज भी हिंदू काकड़ का ताला लगा हुआ है। दुकान का मालिक जब फौत हुआ तो उसने अपने बच्चों से अहद लिया कि वो इस दुकान को कभी नहीं खोलेंगे, बल्कि इसे हिंदू खुद ही खोलेगा। दुकान मालिक के फौत होने के बाद आज भी उसके बच्चे अपने बाप की दी हुई जबान का पास रख रहे हैं और तकरीबन 73 साल से ये दुकान अपने दुकानदार का इंतज़ार कर रही है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी पसंद नापसंद का इजहार लाइक, डिसलाइक और कमेंट से दें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।